स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 9, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो लेसन नंबर 9 में आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 37। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5, तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 7 किलोग्राम ऑनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, दैट मीन्स कि अगर 7 किलोग्राम ऑनियंस जो है उसका प्राइस 140 रुपीज है, देन हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 किलोग्राम्स ऑनियन। दैट मीन्स 7 किलोग्राम ऑनियन का प्राइस हमको कितना दिया हुआ है, 140 रुपीज दिया हुआ है। और सेकेंड आप देख सकते हैं कि हमको 12 किलोग्राम्स ऑनियन भी रुपीज एक्स, मतलब कि 12 किलोग्राम्स ऑनियन जो है सपोज उसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी है, एक्स रुपीज है। नाउ हम लिख सकते हैं, ये स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं है बट मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया है। द क्वांटिटी ऑफ ऑनियंस एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, दैट मीन्स हम जो ये फाइंड आउट कर रहे हैं ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। लिख सकते हैं देयरफॉर, देखो ये हम कैसे लिखेंगे, अगर 7 किलोग्राम ऑनियन जो है उसका कॉस्ट कितना है, 140 रुपीज है। नाउ जो 12 किलोग्राम्स ऑनियन है उसका कॉस्ट कितना है, वो हमने सपोज किया है एक्स। दैट मीन्स क्वांटिटी जो है किलोग्राम्स, दैट इज 7 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम्स, इसको हमने न्यूमरेटर के प्लेस पे लिखा है और डिनोमिनेटर के प्लेस पे हम उसकी कॉस्टिंग लिख रहे हैं। जैसे 7 किलोग्राम्स ऑफ ऑनियन का कॉस्टिंग कितना है, 140 रुपीज है, और 12 किलोग्राम्स ऑनियन का कॉस्टिंग कितना है, ये हमने सपोज किया है एक्स। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने किलोग्राम्स को ऊपर लिखा है तो दोनों आपको किलोग्राम्स को ऊपर ही लिखना है। जैसे ये 7 किलोग्राम 40 रुपीज है और x आपने सपोज किया है, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आपको डिनोमिनेटर के प्लेस में लिखना है। अब इसको हमको सॉल्व करना है और हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत इजी है, मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व कर। 140, दैट मीन्स हमने मल्टीप्लाई किया 7 और x को और 12 और 140 को, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। देयरफॉर वी कैन राइट 7x इक्वल्स टू 12 इंटू 140। नाउ अभी हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 12 into 140 upon ये। हमारे पास क्या क्या बाकी है, देखो डिनोमिनेटर के प्लेस में 1 है, सो अभी कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम लिख सकते हैं 12 into ये जो 20 है, तो आप 12 से आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 2 24, और ये 0 को आप एज इट इज लिख सकते हैं, तो आपका आंसर कितना हो गया, 240। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, देयरफॉर वी मस्ट पे रुपीज 240 फॉर 12 किलोग्राम अनियंस। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीट, हाउ मच विल 1280 रुपीज बाय। मतलब हम 600 रुपीस में 15 बंचेज ऑफ फीट जो है वो बाय कर सकते हैं। हाउ मेनी सर्वाइवल गेम 3D। क्वेश्चन नंबर 2, सो लेट सपोज एक्स बंचेज ऑफ फीट जो है वो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, दैट द क्वांटिटी ऑफ फीट बॉट एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, तो ये स्टेप जो है, ये सेकेंड वाला जो मैंने लिखा है, इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो यहाँ कम्प्लीटली क्वेश्चन में से कॉपी करना है। देखो 600 रुपीज में आप 15 बंचेस जो है वो बाय कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 रुपीज में अगर आप 15 बंचेस बाय कर सकते हैं, तो 1280 रुपीज में आप एक्स बंचेस जो है वो बाय कर सकते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 600x इज इक्वल्स टू, ये भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आप लिख सकते हैं 15 into 1280 रुपीज़।
ओके अब इसको इसमें आपको क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स इक्वल्स टू आप इसको लिख सकते हैं 15 × 1280 / ये जो 600 है ये यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर के प्लेस में। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको भी हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, देखो ये जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब आप जानते हैं कि 15 के टेबल में 60 आता है, तो आप लिख सकते हैं 15 × 1 = 15 एंड 15 × 4 = 60। अभी आप 4 से 128 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, 4 × 1 = 4 और इसको आप कर सकते हैं 4 × 3 = 12 एंड 4 × 2 = 8। अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, 4 × 1 = 4 और इसको आप कर 60। अब आप जानते हैं कि 15 के टेबल में 60 आता है, तो आप लिख सकते हैं 15 × 1 = 15 एंड 15 × 4 = 60। अभी आप 4 से 128 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, 4 × 1 = 4 और इसको आप कर सकते हैं 4 × 3 = 12 एंड 4 × 2 = 8। अब यहाँ पे क्या बाकी है, देखो ये 1 और 1 जो है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स हमारा सिर्फ 32 अभी बाकी है। तो ये हम लिख लेते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं देयर फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 32 का फाइनल आंसर और कंक्लूजन लिख सकते हैं। Therefore, 32 bunches of feet can be bought for ₹1280। इसका मतलब है कि ₹1280 में हम 32 bunches of feet जो है वो बाय कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, फॉर 9 काउस 13 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ फूड होता है हमको लेंगे, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। दैट मीन्स 9 काउस के लिए यहाँ पे 12 काउस है, सो ऑब्वियसली 9 काउस के लिए जितना फूड सप्लीमेंट हमको उनको जितना फूड प्रोवाइड करना है, अगर नंबर ऑफ काउस जो है वो अगर इंक्रीज, तो ये हम लिख सकते हैं लेट द फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 काउस बी एक्स किलोग्राम। मतलब 12 काउस सप्लीमेंट रिक्वायर्ड एंड द नंबर ऑफ काउस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, मतलब जितना उनको फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड है और नंबर ऑफ काउस जो है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। दैट मीन्स नंबर ऑफ काउस जो है अगर वो इंक्रीज होंगे तो फूड सप्लीमेंट्स का रिक्वायरमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये हमारा एक डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो अब हम इसको स्टार्ट एंड 500 ग्राम जो है, देखो यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम जो है वो हम, और 12 काउस के लिए कितने किलोग्राम्स लगेंगे ये हमको फाइंड आउट करना कहते हैं, सॉल्व करते हैं। दैट तो फिलहाल हम इसको लिख सकते हैं 13500। अभी ये किस में है, ग्राम में है, क्योंकि हमने इसको किस में किया, या तो आप किलोग्राम में भी लिख सकते हैं या आप ग्राम में भी लिख सकते हैं। अगर आप किलोग्राम में लिखेंगे तो आप 13.5 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट अगर ये नंबर्स को आप साथ में लिखेंगे तो ये अभी इसकी जो वैल्यू है वो किस में है, ग्राम में है। तो ये हो गया, मतलब ये जो वैल्यू है ये ग्राम में है इंटू 12। दैट मीन्स हमने अभी कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है 9x को और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। और अल्टी आपको पता है कि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 13500 इंटू 12/9। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये हमने ग्राम में ली है, तो ये 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये हम लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। अब ये 3 है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 4 तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला जो नंबर है इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 4 = 12। अभी ये 13 है तो 1 इसके सामने हो गया, तो ये हो गया 15, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और ये 0 0 को हम एज इट इज लिख सकते हैं।
नाउ अब हम एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास 4500 इंटू यहाँ पे 4 है, अभी और कुछ रिड्यूस करने के लिए है नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा 4000, 4000, ये आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4500 एक आप 0 लिख सकते हैं, आप 2 कैरी करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 4400, 16, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। तो अभी आपको ये जो x की वैल्यू आई है ये किस में दी हुई है, ग्राम में है ये, ठीक है। तो ये 18,000 हमारे पास क्या है, ये ग्राम में है, और आपको इसको किलोग्राम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 1,000 में डिवाइड करना पड़ेगा, जब आप 1,000 में डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 किलोग्राम। कंक्लूजन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 काउज इज 18 किलोग्राम, और ये हो जाएगा आपका आंसर। फोर है, द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज, हाउ मच विल, एड हो रहा है तो रुपीज एक्स, मतलब 8 क्विंटल्स ऑफ कॉस्ट आर इन डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कम होगी, उसकी कॉस्ट कितनी है, 36,000 है, दैट मीन्स सोयाबीन कॉस्ट 36,000 रुपीज, और हमको 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन का है वो हमने सपोज किया है, दैट इज 36,000 इंटू 8। तो ये हम अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 36,000 इंटू 8 अपॉन 12, ये हम लिख सकते हैं। अब हम इसको रिड्यूस कर दें, तो आप इसको सॉल्व करके आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लाइक कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू ये 36, और ये 3 जीरोज जो है उनको आप एज इट इज लिख सकते हैं। नाउ आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू ये कितना है, 3000 इंटू 8, ये आपने लिख लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24, और ये 3 जीरोज जो हैं उनको आप एज इट इज लिख सकते हैं, दैट मीन्स आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी जो कॉस्टिंग थी वो आ गई 24,000 रुपीज। तो अब आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज रुपीज 24,000, मतलब 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन जो है उसकी कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, 24,000 रुपीज, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहे तो वीडियो कॉस्ट 16,000 रुपीज, मतलब 2 मोबाइल का कॉस्ट रुपीज है, तो 13 मोबाइल्स अगर हम लेंगे तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ेगी, दैट मीन्स हो रही है तो उसकी कॉस्टिंग भी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ये भी क्या है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो ये हम लिख सकते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स बी रुपीज एक्स, लाइक 13, द क्वांटिटी ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो यहाँ पे भी जो क्वांटिटी ऑफ मोबाइल्स जो है, नंबर ऑफ मोबाइल्स अगर बढ़ेंगे तो उनके कॉस्ट है 16,000 रुपीज है, तो 13 मोबाइल्स जो हैं उनकी कॉस्ट सपोज एक्स रुपीज है, ये हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं कि 2 मोबाइल का कॉस्ट अगर 16,000 रुपीज है तो 13 मोबाइल्स का कॉस्ट एक्स रुपीज है। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये हम लिख सकते हैं 2x, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 16,000 इंटू 13, तो ये हमने लिख लिया।
तो ये हमने लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम इसको सिर्फ टू है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा टू वन सा टू, और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टू एट सा सिक्सटीन, और जो थ्री जीरोज है उसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। नाउ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यूमरेटर में क्या क्या है यहाँ पे, 8000 है इंटू 13, तो आपको 8000 में 13 को मल्टीप्लाई करना है, तो 13 एट सा कितना हो जाएगा 104, और बाकी के जो 30 है उसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1,04,000 रुपीज। अब आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, तो इसका कंक्लूजन हो जाएगा देयर फॉर रुपीज 1,04,000 विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 मोबाइल्स। दैट मीन्स हमको 13 कितना हो जाएगा, 1,04,000 रुपीज। और इसके साथ ही जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स जो हैं उनके लिंक जो है वो क्वेश्चन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, और उसके साथ में ही मैंने वीडियोस का इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी मैं। Do you want to become an engineer? We have the best JEE courses for you, which produces results. Now you too can learn from India's top JEE master teachers at Vedantu. Experience personalized learning like never before with our multi-teacher model and instant doubt solving. So stop searching and start preparing for JEE with Vedantu's advanced learning courses. Download the app now.